हेलो, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू स्मार्टिस्टिक मी। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ थर्ड प्राणायाम, जो कि है अनुलोम विलोम। आपने अभी तक नोटिस किया होगा, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा होगा, हमने कपालभाति और भस्त्रिका किया, जिसमें हम दोनों नोस्टल्स का एक साथ जो है हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अनुलोम विलोम में हम इंडिविजुअली हम नोस्टल्स का यूज़ करने वाले हैं। अनुलोम विलोम के दो टाइप्स हैं, सूर्य अनुलोम विलोम और दूसरा है, होता है चंद्र अनुलोम विलोम। तो आप कहेंगे व्हाट इज सूर्य एंड व्हाट इज चंद्र, फर्क क्या है? हमारे बॉडी में दो ब्रेन लोब्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो हमारा राइट ब्रेन लोब लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन लोब राइट पार्ट। तो इसी तरह से बॉडी के सारे फंक्शंस भी डिवाइडेड होते हैं और बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड हैं। इस बारे में मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारे दो नॉस्ट्रल्स। तो राइट सूर्य है, लेफ्ट चंद्र है। सूर्य इज हीट, चंद्र इज कोल्ड। हाँ, हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है उसे मैं रिलेट करूँगा सूर्य से और लेफ्ट को चंद्र से। इसी के हिसाब से हम देखेंगे सूर्य अनुलोम विलोम में हम बिगिन करेंगे हमारे राइट नॉस्ट्रल से। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्शंस। पहले सूर्य अनुलोम विलोम में हम राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। ये एक साइकिल होता है, बहुत ही सिंपल है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, दिस इज वन साइकिल। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हमें हमारे मैट पर सुखासन में बैठना है, स्पाइन से बिल्कुल रेक्ट बैठेंगे, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर होंगे। हम हमारा लेफ्ट थंब रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, इंडेक्स फिंगर रखेंगे राइट नोस्ट्रल पे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे, फिर थंब को हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल पे रख के राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम मिनिमम स्टार्ट करते वक्त 10 साइकिल से शुरू कर सकते हैं। ये था सूर्य अनुलोम विलोम। अब हम बात करेंगे चंद्र अनुलोम विलोम के बारे में। इसी तरह से हमें साइकिल करना है, लेकिन जहाँ पर बिगिन करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। डायरेक्शंस आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से ही इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सो इसके स्टेप्स इस तरह से होंगे। हम सुखासन में बैठेंगे, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होंगे और हमारा इंडेक्स फिंगर होगा राइट नोस्ट्रल। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, थंब रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रल से ही इनहेल करते हुए इंडेक्स फिंगर को राइट नोस्ट्रल से बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। ये हमारा एक साइकिल था। ऐसे ही हम 10 साइकिल करते हैं। अनुलोम विलोम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम अपने अपने बेनिफिट्स रखते हैं। ये डिसऑर्डर्स के हिसाब से होता है, एज के हिसाब से होता है, जेंडर के हिसाब से होता है। इस बारे में आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा नॉस्ट्रल आपको कब यूज़ करना है आपके डिसऑर्डर, आपके एज और आपके जेंडर के हिसाब से। तो हर एक डिसऑर्डर के हिसाब से आपको अपने अपने नॉस्ट्रल्स के साथ जो है ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होती है। तो ये था आज का वीडियो अनुलोम विलोम के बारे में, और ऐसे बहुत सारे प्राणायाम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अगले वीडियोस में। तो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बी हेल्दी।